गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर टू आपसे क्या कह रहा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि इस तरह का एमसीक्यू भी तैयार हुआ था, मैंने आपको दिखाया था 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक या दो नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमसे कह रहा, अ लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम वैक्यूम थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक लाइट है जो वैक्यूम से आकर के एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से जा रही है। हमसे कह रहा, इफ द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस टू द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दे रखी है। तो हमसे कह रहा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब रेयर से डेंसर में आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यह है स्नेल बाई स्नेल्स लॉ, यह है स्नेल का नियम, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपको पता आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकाल देनी है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई बाई टू। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन आई को ऐसे ही रहने दो, और साइन आर की जगह आप कह सकते हो आई बाई टू। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो साइन आई का फॉर्मूला तोड़ते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर आपके पास यहाँ साइन थीटा होता तो आप कहते टू साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर साइन आई है, तो इसको कह सकते हैं टू साइन आई बाई टू कोस आई बाई टू, एंगल का आधा होता बस, और नीचे रह जाएगा साइन आई बाई टू। आपको दिखाई दे रहा है साइन आई बाई टू, साइन आई बाई टू खत्म हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू बहरा जाएगा टू कोस आई बाई टू, टू डिवाइड मारा जाएगा म्यू के, तो म्यू बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा कोस आई बाई टू। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ से आई की वैल्यू, तो कोस को इधर को भेज दो, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स म्यू बाई टू इज इक्वल टू आई बाई टू। मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो टू जो है ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो टू कोस इनवर्स म्यू बाई टू ये वैल्यू रह जाएगी आई की। तो यही पूछा था आपसे कि आई की वैल्यू बताओ, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा टू कोस इनवर्स म्यू बाई टू। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बारीकी से समझें, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे इसके थ्रू, वेरी शॉर्ट्स भी, और यही क्वेश्चंस लॉन्ग के अंदर तैयार होने शुरू हो जाएंगे। आप देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट को अपडेट करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा बार बार, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड में।